सो हेलो फ्रेंड, तो जैसा कि पिछले वीडियो में हम लोग ने स्टीम कंडेंसर के बारे में डिटेल में समझा था, वहाँ पर हम लोग एक टाइप्स के स्टीम कंडेंसर के बारे में बात किए थे जो कि था सरफेस कंडेंसर। तो आज की वीडियो में हम लोग उसी के बारे में डिटेल में यहाँ पे समझने वाले हैं कि सरफेस कंडेंसर क्या होता है, कैसे सरफेस कंडेंसर काम करता है, उसका वर्किंग प्रिंसिपल क्या होता है, जब टर्बाइन से जो हमारा जो एग्जॉस्ट स्टीम है कंडेंसर में इन करता है तो कैसे स्टीम जो है वो वाटर में कन्वर्ट हो जाता है, उसी के बारे में इस वीडियो में हम लोग डिटेल में समझने वाले हैं। वीडियो बहुत इंफॉर्मेटिव होगा, तो वीडियो के साथ बने रहें। और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें ताकि इस टाइप का इंफॉर्मेटिव वीडियो आपको सबसे पहले मिले। तो चलिए बिना समय का वीडियो करते हैं स्टार्ट। तो सरफेस कंडेंसर, तो देखिए सरफेस कंडेंसर जो है वो एक तरह का स्टीम कंडेंसर का ही टाइप्स होता है, उसी का ही एक प्रकार है जिसको हम लोग पिछले वीडियो में डिटेल में देखे थे। ओके, उस वीडियो का भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या ऊपर आई बटन में दे दिया हूँ, आप उसे देख लीजिएगा ताकि आगे जब भी ये वीडियो आप देखें तो और भी आपको अच्छे से क्लियर हो सके, पूरा कॉन्सेप्ट आपको समझ में आए। ओके, तो देखिए यहाँ पर जो हम लोग कंडेंसर के बारे में जब हम लोग स्टीम कंडेंसर का डेफिनेशन देखे थे तो जो उसका वहाँ पर डेफिनेशन होता है यानी कि जो काम होता है वही सरफेस कंडेंसर का ही काम है। अरे कहना क्या चाहते हो? यानी कि सरफेस कंडेंसर किसको बोलेंगे, तो सरफेस कंडेंसर एक तरह का क्लोज टाइप हीट एक्सचेंजर है जो कि स्टीम का जो हमारे टरबाइन से स्टीम एग्जॉस्ट होता है उसका फेज चेंज करता है एट कांस्टेंट टेम्परेचर विद द हेल्प ऑफ कूलिंग वाटर। ठीक है, तो कूलिंग वाटर के मदद से जो स्टीम होता है उसका फेज को चेंज करके वाटर में जो कन्वर्ट करता है उस डिवाइस को, उस हीट एक्सचेंजर को हम लोग सरफेस कंडेंसर कहते हैं। सरफेस कंडेंसर क्यों? क्योंकि यहाँ पर ट्यूब और सेल का अरेंजमेंट होता है, तो जो यहाँ पर हीट का एक्सचेंजिंग होता है वो इस ट्यूब के सरफेस यानी एक मीडियम के द्वारा होता है, यहाँ पे उसी के द्वारा हीट का एक्सचेंजिंग होता है। ठीक है, तो ड्यू टू सरफेस के कारण इसीलिए इसको हम लोग सरफेस कंडेंसर नाम दिया गया है। ओके, अच्छा अब देखिए यहाँ पर हमको मेनली जो है वो वर्किंग प्रिंसिपल को समझना है, यानी कि ये कैसे काम करता है, कैसे हमारा टरबाइन से जो एग्जॉस्ट स्टीम आता है वो वाटर में कन्वर्ट होता है। ओके, वर्किंग प्रिंसिपल को समझने से पहले हम लोग ये जानते हैं कि जो कंडेंसर होता है उसमें कौन कौन से इंपॉर्टेंट पार्ट्स लगे होते हैं। ओके, ताकि वर्किंग प्रिंसिपल को और भी इजिली से समझा जा सके। तो ये सरफेस कंडेंसर का एक डायग्राम हो गया। अब देखिए यहाँ पर ये जो आउटर वाला जो कवर होता है इसको हम लोग सेल कहते हैं। अब सेल के अंदर ही आपका जो एग्जॉस्ट स्टीम है वो रहता है। ओके, अब ये अंदर में जो आपको ये दिख रहा है ट्यूब टाइप का, इसको हम लोग ट्यूब कहते हैं। इसी के अंदर आपका कूलिंग वाटर जो है वो फ्लो करता है। यहां से जो टरबाइन का जो एंड पार्ट होता है जिसको एग्जॉस्ट हुड कहा जाता है वो यहाँ पर जुड़ा होता है और यहीं से आपका जो स्टीम है, जो आपका हॉट स्टीम है वो इस कंडेंसर में आता है। यहाँ पर एक्सपेंशन जॉइंट लगा रहता है ताकि नॉर्मल रनिंग ऑपरेशन के दौरान आपका जो थर्मल एक्सपेंशन हो वो उसको रेजिस्ट कर सके। ओके, अब यहाँ पर जो हीट एक्सचेंजिंग होता है वो चूंकि कूलिंग मीडियम के द्वारा यानी कि वाटर के द्वारा होता है तो इसके लिए यहाँ पर जो ट्यूब, कई सारे जो ट्यूब्स हैं वो लगे होते हैं। ओके, तो उस ट्यूब में क्या होता है कि हमारा कूलिंग वाटर जो है वो फ्लो करता है। तो ये जो कूलिंग वाटर जो आता है उसके लिए ये इनलेट पॉइंट हो गया। ठीक है, कूलिंग वाटर जो है वो यहाँ से इन करता है और फिर ये यहाँ से आउट करता है। ठीक है, अब यहाँ पर जो हमारा जो स्टीम आया और जो वाटर में कन्वर्ट हो गया तो उसको एक जगह कलेक्ट कर लिया जाता है जिसको कहा जाता है हॉट वेल। ठीक है, अब इस कंडेंसर का जो दोनों एंड पार्ट जो आप देख रहे हैं इसको कहा जाता है वाटर बॉक्स। वाटर जो है वो यहीं से इन करता है और आपका यहाँ से आउट हो जाता है। अब स्टीम कंडेंसर में क्या होता है कि जब स्टीम कंडेंस होता है तो कुछ स्टीम ऐसे होते हैं जो कंडेंस नहीं हो पाते हैं या कुछ ऐसे गैसेस का फॉर्मेशन हो जाता है जो कि उसको निकालना जरूरी होता है ताकि वो हमारा टर्बाइन पे बैक प्रेशर क्रिएट ना करे, हमारा वैक्यूम ड्रॉप ना हो। इसलिए ये इसको गैसेस को निकालने के लिए जो यहाँ पे अनडिजॉल्व जो गैसेस होते हैं उसको निकालने के लिए यहाँ पर एयर पंप या इजेक्टर का यूज किया जाता है। कहीं कहीं पे आप वैक्यूम पंप भी सुने होंगे। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट यहाँ पे पार्ट्स हो गए। ओके, अब हम लोग इसके वर्किंग प्रिंसिपल को समझते हैं कि कैसे ये काम करता है, कैसे हमारा स्टीम जो है वो वाटर में कन्वर्ट होता है। अभी मजा आएगा ना। तो देखिए इससे पहले वाला एक वीडियो था जिसमें हम लोग रैंकाइन साइकिल को समझे थे, वहां पर हम लोग ने थर्मल पावर प्लांट के जो टीएस डायग्राम होता है उसको हम लोग समझे थे। ओके, तो उसका भी लिंक मैं दे दूंगा, उसको भी देख लीजिएगा, बहुत इंफॉर्मेटिव वीडियो है। यहाँ पर शॉर्ट में समझिए कि ये एक रैंकाइन साइकिल का टीएस डायग्राम हो गया। ये 1 से 2 जो होता है ये हमारा बीपी से वाटर जो है वो बॉयलर में जाता है, 2 से 3 जो है ये पूरा बॉयलर का फिनोमेना है, यहाँ पर हमारा मेन स्टीम क्रिएट होता है। ओके, और यहाँ से फिर हमारा टर्बाइन का ये हो गया, टर्बाइन में एक्सपेंशन होता है, और 4 से 1 जो है ये हमारा कंडेंसर वाला पार्ट है, यानी यहाँ पर जो
चीज़ें होती है, जो घटना होती है, वो यहीं वाला से लिया गया है। ओके, यानी कि यहाँ पर जो हमारा स्टीम होता है वो वेपर फॉर्म में होता है, और यहाँ पर हमारा जैसे ही आ जाता है वो लिक्विड जोन में चला जाता है। लेकिन एक चीज़ यहाँ पर ध्यान देने वाली चीज़ है कि यहाँ पर भी टेम्परेचर आपका कॉन्स्टेंट है और यहाँ पर भी टेम्परेचर कॉन्स्टेंट है। इसलिए मैंने डेफिनेशन में बताया था कि जो भी फेज चेंज होता है एट द कॉन्स्टेंट टेम्परेचर पर होता है, ठीक है। यानी कि टर्बाइन के इनलेट में जो स्टीम होगा उसका जो टेम्परेचर होगा, और जो ये यहाँ पर वाटर जो क्रिएट होगा, ठीक है, वाटर जो बन जाएगा, तो उसका भी टेम्परेचर जो होगा वो थ्योरेटिकली सेम होता है। ओके, अच्छा, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ से यहाँ तक जब हमारा जो वेपर जो है वो जब लेटेंट हीट को लूज करता है तो उसका जो होता है वो फेज यहाँ पर चेंज हो जाता है, ठीक है। तो जैसे ही वो इस लाइन पे आता है तो वो आपका वाटर में कन्वर्ट हो जाता है। अब देखिए यहाँ पर होता क्या है, तो टरबाइन से जब हमारा एग्जॉस्ट हॉट स्टीम जो है वो कंडेंसर में आता है तो उसमें कुछ ना कुछ हीट है, ठीक है, उसमें टोटल हीट होता है, सेंसिबल हीट जो भी है और लेटेंट हीट भी है। तो जब हम उसमें लेटेंट हीट को रिमूव कर देंगे, ठीक है, किसी मीडियम के द्वारा, तो उसका क्या होगा, फेज चेंज हो जाएगा, ठीक है। जैसे कि हम लोग यहाँ पर बॉयलर में क्या करते थे, तो यहाँ पर लेटेंट हीट को ऐड करते थे, जैसे कि ये लिक्विड से वेपर में जा रहा था, तो ठीक जस्ट इसका उल्टा है कि यहाँ पर हमारा वेपर फॉर्म है तो इसमें जो लेटेंट हीट है इसको हम लोग इसको रिजेक्ट करवा देंगे, ठीक है, लॉस करवा देंगे, तो ये अपने वाटर यानी ओरिजिनल फेज में ये आ जाएगा। तो ठीक वही चीज यहां पर होता है। तो इसके लिए हमको क्या चाहिए कि हमको हीट को लॉस करवाना है, ठीक है, रिजेक्ट करवाना है, तो उसके लिए हमको एक कूलिंग मीडियम चाहिए। और वो कूलिंग मीडियम क्या होता है, तो हमारा कूलिंग वाटर होता है, यानी कि जो हमारा स्टीम का टेम्परेचर है, ठीक है, और जो कूलिंग वाटर का टेम्परेचर है, तो कूलिंग वाटर का टेम्परेचर कम होगा तभी तो इन दोनों में हीट का रिजेक्शन हो पाएगा, हीट का एक्सचेंजिंग हो पाएगा। ओके, इसका एक निश्चित टेम्परेचर है, तो ये कूलिंग वाटर इस तरह से यहां पर इन करता है, ठीक है। यहां पर आप रेड कलर का जो देख रहे हैं ये होता है बेफल प्लेट, ये क्या करता है, ये इसको एक तरह से डायरेक्शन देता है ताकि वाटर जो है वो इधर उधर ना जाए, वो सीधा आपके इस ट्यूब के अंदर जाए, ठीक है। और फिर ये जब यहाँ पर इस वाटर बॉक्स में जब आता है तो वाटर जो है वो कुछ इस तरह से फिर आपका इस ट्यूब में ये फ्लो करता है। ओके, इस तरह में यहाँ पर आता है। अब हमारा ट्यूब के अंदर कूलिंग मीडियम आ गया, कूलिंग वाटर आ गया। अब यहाँ से जो हमारा हॉट स्टीम आ रहा है तो इसमें जो भी लेटेंट हीट है वो इस वाटर के द्वारा जो है वो एब्जॉर्ब कर लिया जाएगा। और जैसे ही हमारा लेटेंट हीट जब एब्जॉर्ब हो जाता है, रिजेक्ट हो जाता है, तो इसका जो है वो वहीं पर फेज चेंज हो जाता है, और फेज चेंज होकर ये हमारे वाटर में कन्वर्ट हो जाता है। इस वाटर को फिर एक जगह कलेक्ट कर लिया जाता है जिसको हॉट वेल कहा जाता है। हॉट वेल, वेल का मतलब क्या होता है, एक जगह मतलब जैसे कैसे होता है, कुआं होता है, ठीक है, तो ऐसा कुआं जहाँ पर कुछ हॉट वाटर हो तो उसी को बेसिस पे इसको हॉट वेल कहा जाता है। ओके, तो ये इस हॉट वेल पे कलेक्ट कर लिया जाता है। अब ये चूंकि हमारा वाटर जो है वो फ्रेश वाटर होता है तो इसको हम लोग फिर से रीयूज कर सकते हैं, यही तो हमारा कंडेंसर का फायदा था। ओके, तो यहाँ पर क्या था कि हम लोग एक जो है पंप लगा देते हैं जिसको सीपी कहा जाता है। ओके, तो ये सीपी हो गया, और इस सीपी के द्वारा इस वाटर को आगे भेज दिया जाता है, फिर बीपी के द्वारा फिर से बॉयलर में इसको रीयूज करके फिर से स्टीम जनरेशन कर लिया जाता है, और फिर से यही साइकिल जो होता है वो बार बार चलता है। ओके, तो इस तरह से पावर प्लांट में जो सरफेस कंडेंसर लगे होते हैं वो वर्क करते हैं। आई होप कि ये वीडियो आपके लिए इंफॉर्मेटिव लगा होगा। वीडियो इंफॉर्मेटिव लगा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करें, और ऐसे ही वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।